हमारे विशेष टीएनएन के प्रतिष्ठा आयोजन मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक, और हम स्वागत करते हैं हमारे मंत्री विजय लक्ष्मी साधव जी का और हमारे मंत्री पीसी शर्मा जी का। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय लक्ष्मी साधव जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं आप और इत्तेफाक से कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है। सवाल बहुत से हैं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य के हालात कैसे सुधरेंगे, कब सुधरेंगे और उसके लिए क्या रोल है? आपने अपनी पहली लाइन में गलत बोला, मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हूँ जी। तो आप लोगों की भूल सुधार कर रहे हैं, मैं आपकी भूल सुधार करना चाहती हूँ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हूँ, आयुष और चिकित्सा शिक्षा मेरे पास है। प्रदेश के स्वास्थ्य की आपने बात करी, वाकई 15 साल में स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। और मेरे पास संस्कृति विभाग भी है, संस्कृति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो एक स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री को संस्कृति भी दी है, तो संस्कृति का स्वास्थ्य भी सुधारना है। स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, धीरे धीरे करके हम कदम बढ़ा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खास करके अच्छा क्वालिटी का स्वास्थ्य मिले, क्योंकि मेरे पास मेडिकल एजुकेशन विभाग है और उसके माध्यम से हम डॉक्टर बनाते हैं। तो डॉक्टर की अच्छे डॉक्टर मिले और उसका प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका लाभ मिले, ये कोशिश और प्रयास आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब की है। पीसी शर्मा जी, आपके लिए भी ये एक माइक है। शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा और सप्लाई आपकी जिम्मेदारी है और डिमांड बहुत अधिक है। विजय लक्ष्मी साधु जी, आपसे ही सवाल है मेरा। डिमांड बहुत अधिक है, कई नए मेडिकल कॉलेज की डिमांड भी हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और जो निजी मेडिकल कॉलेज है उनकी भी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। और जो मध्य प्रदेश में जो पढ़ के लोग निकलते हैं, वो मध्य प्रदेश में उस तरह का माहौल भी नहीं है। ठीक है, आपका विभाग आधा इस जिम्मेदारी को निभाता, आधा नहीं निभाता, लेकिन इस तरह के डॉक्टरों को एक बेहतर माहौल मिले और बेहतर शिक्षा मिले, उसकी दिशा में किस तरह? आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहूंगी कि 6 मेडिकल कॉलेज तो हमारे गवर्नमेंट के हैं ही, 4 बहुत जल्दी अस्तित्व में आ रहे हैं, 3 भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो और आपने जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा, कैबिनेट के हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती है और एक सामूहिक निर्णय होता है। तुलसी सिलावट जी के पास स्वास्थ्य विभाग है, मेरे पास मेडिकल एजुकेशन विभाग है, लेकिन हमारी सबकी सामूहिक जवाबदारी है कि मध्य प्रदेश में अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स मिले और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा यहाँ की जनता को मिले, 7.5 करोड़ की जनता को। ये हम सब की, कैबिनेट में जितने भी व्यक्ति हैं, हम सबकी जवाबदारियां हैं कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दें, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है, ये जनता द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार है, इसलिए हम सबकी बराबर की जवाबदारियां हैं कि हम यहाँ व्यवस्थाएं दें। डॉक्टर साधु, आप कल भी एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर आए हैं। इससे पहले सागर मेडिकल कॉलेज वर्षों से बीरबल की खिचड़ी की तरह बन रहा है, तो ये जो शिलान्यास कल हुआ है, ये कब तक बन पाएगा और सागर वाले को कब मूर्त रूप दे पाएंगे आप? मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि मैं 2002 और 2003 में भी मेरे पास ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट था। 6 हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, 5, और 6ठा हमने जिला चिकित्सालय के एफिलिएशन से सागर में खुला था। उस वक्त की मैंने शुरुआत की थी, ये 2002 और 3 की बात कर रही हूँ। उसके बाद 15 साल का समय गुजर गया। मैंने अपने पहली लाइन में कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं, वापस कांग्रेस की सरकार को बनाया, पुनः मुझे चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया, सुधार पुनः हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल में बहुत बिगड़ा हुआ था। आपने जैसे टाइम फ्रेम में आपने बिल्कुल इतने सालों में बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बन जाए, मैं आपकी वही बात पे आ रही हूँ। कल की जो बात आपने करी, शिलान्यास नहीं किया हमने, लोकार्पण किया जी। शिवपुरी के अंदर शिलान्यास नहीं हुआ, लोकार्पण हुआ, कॉलेज बन के बिल्डिंग तैयार है।
चिकित्सालय के जो जिला चिकित्सालय के जो बेड्स हैं वो हमने संबंध किए हैं मेडिकल कॉलेज से, और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है और उसके मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही 300 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ हो गया, वो 300 बेड के हॉस्पिटल बनना जा रहा है। तो लोकार्पण किया, स्टोन फाउंडेशन नहीं किया। पीसी शर्मा जी, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है मध्य प्रदेश सरकार के, जो वादा किया, माफ कीजिए, जो वचन दिया वो पूरा किया, ये नारा है और आपके विभाग ही से ये प्रचारित भी हो रहा है। तो ऐसी इन 65-70 दिनों में ऐसी क्या क्या चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है और आपने वो वचन लिखा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका आभार मांगना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस मंथन कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किया है, और ये मंथन तो आपको और आम जनों को करना है कि आखिर 70 दिन की सरकार है और 70 दिन में जो सबसे पहले बड़ा काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया है, वो जैसा कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें मंदसौर में 6 जून 2018 को कहा था कि कांग्रेस की अगर सरकार बनी तो 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और जब 12 दिसंबर 2018 को कमलनाथ जी ने मंत्री पद की शपथ ली तो राहुल गांधी जी भी आए थे। राहुल गांधी जी तो दिल्ली गए और कमलनाथ जी गए सीधे मंत्रालय, ने मंत्रालय का भी शुभारंभ करना था जिसमें बड़ी व्यवस्था इंजीनियर्स ने कर रखी थी वहाँ पे उसके उद्घाटन की, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं अंदर प्रवेश करूँगा दाहिने पैर से, यही मंत्रालय का शुभारंभ हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में था तो इंजीनियर्स ने मुझे भी आमंत्रित किया था। और ऊपर जाके अपने चैम्बर में जो पहला दस्तखत किया, उन्होंने पहला आदेश दिया कि मध्य प्रदेश के 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का आदेश किया, जो कि मैं समझता हूं कि वचन पत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था। और ये शपथ लेने के 1-1.5 घंटे के अंदर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसी समय उन्होंने बच्चों की शादी के लिए 51,000 रुपये देंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, और उनके पेरेंट्स की कितनी ही आए हो, इन सबको अलग करके उन्होंने ये काम किया। और भी वचन पत्र में जो बातें आई कि 300 रुपये जो वृद्धा पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन, उनको 600 कर दिया, बाद में 1,000 हो जाएगा। उसके अलावा जो बिजली के बिल किसानों के आधे कर दिए, उसमें उनका जो मेन जो कंसेप्ट है पूरा कि यहाँ हम लोग बैठे हैं कोई किसान नहीं होगा, लेकिन किसान का कर्जा माफ होने का उनका एक कंसेप्ट है कि इससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब फसल काट के बेचेगा तो उसका बैंक में पैसा कटेगा नहीं, और जब उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जो 70% है किसान पूरे मध्य प्रदेश में और देश में भी, तो ये एक इकोनॉमी का एक बड़ा सेंटर है, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ये उद्योगों वालों के सामान बिकेंगे, जो व्यवसायी हैं उनके बिकेंगे, और इकोनॉमी का एक चक्र चलेगा, और उस इकोनॉमी के चक्र से मजबूत होगी मध्य प्रदेश की माली हालत, और माली हालत ठीक होगी तो बाकी काम होंगे उद्योग लगने के, व्यवसाय बढ़ने के। तो ये एक पूरा कंसेप्ट है, जो लोग यहाँ बैठे हैं इनको भी उसका फायदा होने वाला है उस ऋण माफी से, मैं समझता हूँ कि। और 70 दिन के अंदर कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यमंत्री जी की, आप देखेंगे मेरे हिसाब से तो 75-80 के बीच में वचन पत्र में कही गई बातें उन्होंने पूरी कर ली है। आज उन्होंने कहा कि 10% जो सामान्य वर्ग हैं, सामान्य वर्ग को भी रिजर्वेशन देंगे, जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी 27% का कह दिया। मैं समझता हूँ कि जो बातें आज तक केवल घोषणाएं होती थी, उन्होंने वचन पत्र के माध्यम से एक एक पूरी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए हम उनका आभार मानना चाहेंगे इसमें। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है, मैडम साधो जी बैठी हैं, जो उन्होंने जो कंसेप्ट आया वहाँ मंत्रिमंडल में कि इससे जो कोऑपरेटिव बैंक है मजबूत होंगे, कभी कोऑपरेटिव बैंक के पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं आया,
और कोऑपरेटिव बैंक पर जब इतना पैसा इकट्ठा आएगा तो बैंक मजबूत होंगे, और बैंक मजबूत होंगे तो आगे वो किसान हो या आम आदमी हो, उनको ऋण देने की स्थिति में आएंगे, उनकी और यही क्षमता बढ़ जाएगी। ये पूरे उनके बनने के जब से ही कोऑपरेटिव बैंक बने, इतनी पुख्ता स्थिति उनकी कभी नहीं रही होगी। तो ये सब एक रोटेशन है जो उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। आपके पास भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, और आपके विभाग में जो वचन दिए थे वो क्या पूरे किए? हमने जो वचन दिए थे हमारे विभागों ने, एक तो अगर हम आध्यात्म विभाग की बात करें तो आध्यात्म विभाग में हमने नर्मदा जी का एक ट्रस्ट बना दिया है, जिसकी आप बहुत आगे सुनेंगे कि नर्मदा ट्रस्ट जो है, ये नर्मदा जी जो एक जिसको हम पवित्र नदी के रूप में, देवी के रूप में मानते हैं, उस ट्रस्ट के माध्यम से उसका पूरा संरक्षण होगा, उनकी पवित्रता बनाई जाएगी, अवैध उत्खनन बंद होंगे, वृक्षारोपण के जो इश्यूज आते हैं वो सही तरह से वृक्षारोपण होगा, और ये साधु संतों को सौंपा जाएगा, कोई नेताओं को नहीं, साधु संतों को सौंपा जाएगा। उसके अलावा जो नर्मदा परिक्रमा एक मुख्य एक परिक्रमा होती है, जिसका बहुत चली कि परिक्रमा की नर्मदा यात्रा नाम की कोई चीज़ नहीं होती नर्मदा जी में, या तो दर्शन होते हैं, स्नान होते हैं, या परिक्रमा होती है। एक कंसेप्ट चला कि यात्रा, अब यात्रा जब का मामला चला तो उसमें हमने देखा कि क्या क्या हुआ है। तो कुल मिला के हमने उसको एक ट्रस्ट बनाया, एक ताप्ती पवित्र नदी है उनका ट्रस्ट बनाया है, और परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा पथ, क्योंकि नर्मदा के किनारे ही आपका क्षेत्र है मंडलेश्वर महेश्वर, जहाँ से विधायक और मंत्री है, उसका पथ पूरा, जिससे लोग जब जाएं तो उनको चिन्हित मिले, और जगह जगह ऐसे स्टेशन मिले जहाँ लोग परिक्रमावासी रुक सकें, ये सब उसमें व्यवस्था हो रही है। उसके अलावा हम लोगों ने जितने मंदिर हैं, मंदिर के पास कोई पट्टा या कोई रजिस्ट्री नहीं है, शासकीय जमीनों में 1,00,000 मंदिर हैं जिसको हम लोग पट्टे देंगे, और जो मानदेय उनका 3 गुना बढ़ा दिया है। पिछली सरकारें धर्म के नाम पे बहुत कुछ घोषणाएं करती थी, धर्म के नाम पर अपने आप को प्रदर्शित करती थी, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने इन सब चीज़ों पे स्टेप्स लिए हैं। हमारी बात करें हम तो जिन दो निर्दोष लोगों को बहुत से केसेस लगाए हुए, वह कानून विभाग भी है, तो निर्दोष लोगों पे जो मुकदमे 15 सालों में लगे हैं उन सब के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये भी हमने एक स्टेप उठाया जो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है, ऐतिहासिक फैसला। इसके अलावा अगर आपके मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी जो संख्या थी, जो मीडिया कर्मियों को शासन का कोटा है क्वार्टर्स का, उसको बढ़ा रहे हैं हम लोग, प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं पत्रकारों के लिए। तीसरा, महिलाओं की एक समिति हमने आज ही गठित की है, और उस समिति से महिलाओं पत्रकारों को, एंकर्स को क्या दिक्कतें आती हैं वो जो सुझाव देंगे उसको हम लोग मानेंगे। तीसरा, पत्रकार जो बेस्ट जो परफॉर्मर पत्रकार हैं उनके सम्मान के लिए भी हमने एक जूरी की टीम बना दी है जो कल पेपरों में पब्लिश होगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जितने विभाग हैं उसमें कहीं ना कुछ कंस्ट्रक्टिव हर चीज़ कमलनाथ जी की सरकार कर रही है। बिल्कुल, नमस्कार। हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि लगातार ये जो सत्र हमारा शुरू हुआ है, मंथन DNN कल एक दिन पहले न्यूज वर्ल्ड का हुआ जिसमें तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन आज ये संख्या लगातार बढ़ भी रही और हम बहुत गौरवान्वित हैं। आज शोभा ओझा जी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चेयरपर्सन है, मीडिया चेयरपर्सन है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए, और एक और गौरव का विषय है, मैं चाहूंगा मंच से तमाम सारे लोग स्वागत करें। मेरे साथ इस वक्त माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक तिवारी साहब भी पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, और CPRO साहब पी नरहरी साहब भी यहां मौजूद है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं चाहूंगा तमाम सारे आगंतुकों के लिए आप तालियां बजाकर स्वागत करें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सवालों की ये श्रृंखला चलती रहेगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर दोनों चीफ एडिटर आदरणीय पाठक साहब और रिजवान अहमद सिद्दीकी जो हमारे ग्रुप एडिटर हैं स्वागत करेंगे। ओझा मैडम,
माइक शोभा जी के लिए भी। अच्छा ठीक बिल्कुल ठीक है, ऑडियंस में रहने दीजिए, एक ऑडियंस। सभागार में महिला पत्रकार भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पीसी शर्मा जी ने आपके हक में कोई बात कही। एक समिति अलग से आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। हम आगे सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करना चाहेंगे कि मंच के बाद आपके जो सवाल हों चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु जी और पीसी शर्मा जी से और शोभा ओझा जी से कुछ सवाल जी। अरविंद तिवारी माइक दीजिए सर, आगे आगे। माइक दीजिए अरविंद तिवारी जी, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से है, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, मेरे एक मित्र का प्रश्न था, वो चूंकि सहज रूप में पूछ नहीं पाया था। प्रश्न ये था कि निजी क्षेत्र में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इस बार लगभग 150 के आसपास बंद किए गए हैं, और चूंकि जो नीति बनाई गई उस नीति में ये था कि चिकित्सा शिक्षा विभाग वो बेड अलॉटमेंट करेगा और उसके बाद वो नर्सिंग कॉलेजेस चल पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत चूंकि नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले भी एक तरह से उद्यमी हैं, रोजगार दे रहे हैं वो, और आप देखिए कि उनके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो 100 बिस्तरों की उसमें शर्त होती है उसमें आप कम से कम इतना सा छूट दें कि 2 या 3 ऐसे जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं जो 50 बिस्तरों के हैं या 40 बिस्तरों के हैं उनको ज्वाइन करके उनको एक अनुमति दी जाए। अभी भी चूंकि सत्र चल रहा है वो लोग बहुत परेशान होकर घूम रहे हैं लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके साथ थोड़ा सा न्याय अवश्य करें। आपका सवाल बहुत सही है अपनी जगह। मैंने अपने पहले ही जो मुझे कहा गया था, प्रश्न पूछा था, उसमें ही मैंने आपको बता दिया गया था कि 15 सालों में बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़ी हुई हैं, और आपका जो प्रश्न ही उत्तर है कि स्वास्थ्य सुविधा उसी वक्त की ये बिगड़ी हुई है उसको आचार संहिता के अंदर भी उसको और बिगाड़ दिया गया, और चुनाव आयोग के माध्यम से उसको एक थोड़ा सा लाइन लेके उसको सुधारने की कोशिश की गई जो कि सुधरी नहीं। आप अपनी जगह सही है कि पैरामेडिकल के माध्यम से स्टेट में जहां डॉक्टरों की कमी है वहां पैरामेडिकल के लोगों की भी बहुत कमी है, उसमें नर्सिंग स्टाफ भी है। और मैं तो चाहूंगी क्योंकि मैं इस फील्ड से भी आती हूं कि स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग की भी बहुत आवश्यकता है कि जो हमारे प्रदेश में नहीं देश में भी उसकी कमी है। सरकार के साथ साथ अगर निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी अगर आती है तो हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की संस्थाएं सही मायने में प्रदेश की जनता का भला चाहें और अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट अगर दें तो हम सबको सुविधा होगी। आपने जो बात बताई नीति नियम में कुछ कमियां खामियां बीच में ला दी गई थी उसको सुधारने के लिए आप लोगों ने हमें बिठाया है, और हम धीरे धीरे करके उस सुविधाएं दे रहे हैं कि ताकि हमारे क्योंकि एक ऐसा फील्ड है कि इसमें बच्चे को एक जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज नहीं है कि जॉब उसको मिल रहा है सरकार का नहीं तो प्राइवेट भी अपना कहीं ना कहीं अपना जॉब कर सकता है। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है और इस और मैं आप आज बात कर रहे हैं मैं पिछले कई दिनों से उसमें लगी हूँ इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। शोभा जी जो वचन पत्र है उसको आपने हम सब तक पहुंचाया, बार बार पहुंचाया, सरकार भी मौजूद है संगठन भी मौजूद है, आपसे चाहेंगे कि हम सब लोगों की तरफ से कुछ सवाल सरकार से जरूर होने चाहिए कि कौन से वचन जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। दोनों ही मंत्रियों से पूछूं ऐसा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझती हूँ मेरा पहला प्रश्न मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत पुराना एसोसिएशन हमारा सवाल दोस्ताना है या जनता का? नहीं दोस्ताना नहीं है वो प्रदेश की हेल्थ को लेकर है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जो मध्य प्रदेश की जो हालत है पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए हमने दिए
कहने को कुपोषण के नाम पर आज भी मध्य प्रदेश कुपोषण के नाम पे नंबर एक है, तो क्या आपका डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इसको इससे अपनी इसको चैलेंज मानते हुए, क्योंकि तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वो आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या ऐसा किया जाएगा जिससे कि हम कुपोषण से अपनी लड़ाई को लड़ सकें और मध्य प्रदेश पे से एक कलंक हटा सकें? ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश दो कैटेगरी के कुपोषण है, अति कुपोषित बच्चे और कुपोषित बच्चे, कैटेगराइज किया गया था इसको। चूंकि मेरा डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन है, हेल्थ मिनिस्ट्री आदरणीय तुलसी भाई के पास में, जिनसे सीएससी पीएससी एनएम के सेंटर जुड़े हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी सामूहिक होती है, उसको देखते हुए बहुत प्रयास हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 15 साल से मैंने फिर कहूंगी कि डर्रा बिगड़ा हुआ है, प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा तादाद में कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग की, सबकी कमी है। इसको धीरे धीरे करके हम लोग धीरे क्या कहूंगी तेजी से ही हम लोग इसके ऊपर चल रहे हैं, व्यवस्था में सुधार रहे हैं। और ये कुपोषण की जो बीमारी है वाकई हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है कि हमारे प्रदेश के बच्चे कुपोषित हैं। इस दिशा में मेरे विभाग के माध्यम से भी हम, क्योंकि इसमें महिला बाल कल्याण का भी सहयोग है, कि महिला बाल कल्याण का भी सहयोग हम लिया जाएगा, और इस दिशा में उन मंत्री जी से भी बात करके हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि एक जो कलंक हमारे ऊपर है मध्य प्रदेश के ऊपर कुपोषित बच्चों का, इसको दूर करने में हम सामुदायिक रूप से ऐसे निर्णय लें कि ताकि वो कलंक हमारे सिर से हटे, हम ये कोशिश करेंगे। जी पीसी भाई से, जी पीसी भाई से प्रश्न करना चाहूंगी। हाँ, इसके बारे में बोलना चाहूंगा, कोई उसका वो नहीं है, लेकिन एक बार जब हम लोग विपक्ष में थे तो एक घटना ऐसी आई कि शिवपुरी जिले के एक क्षेत्र में जो गाय गोबर होता था उस पे से बीज निकाल के बच्चे खाते हुए आए थे, इस पर हम लोगों ने एक आंदोलन किया और वो एक गोबर लेके, मतलब उस पर प्लास्टिक की थैली में लेके हमने एक प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करके वो एसडीएम को दिया कि ये पहुंचाओ आपके मुख्यमंत्री, इस तरह का मध्य प्रदेश में हो रहा है कि बच्चे इस तरह से और कुपोषित, वो बच्चों के फोटो आए, सब आया कि कुपोषित हैं और उनको ये खाना पड़ रहा है, और उसकी स्थिति ये हुई, मैं समझता हूँ आपके मीडिया में वो चीज़ काफ़ी चली थी और हम लोगों को केसेस भी लग गए, और उस मामले में सीधा सीधा केस लगा के हमको जेल भी भेजा गया। पर ये कुपोषण की जो स्थिति हुई है पिछले सालों में, ये बहुत दुर्दशा हुई है इसमें, और निश्चित तौर पर इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार इस मामले में पहल कर रही है। केवल 70 दिन की सरकार है अभी, जिसमें जो वचन हमने दिए हैं अभी उन्हीं वचनों पे पूरा काम हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 70 दिन में कम से कम 75-80 वचन आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे कर दिए, और हर बार एक नई चीज़, हर दिन एक नई चीज़ आती है जिसको कि सरकार कर रही है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आंदोलन का पर्यायवाची बन गए थे, आप पर्याय थे हर चीज़ पर, आंदोलन लगातार संघर्ष 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 और सिर्फ संघर्ष आपने किया। एक सवाल, यहाँ कुछ देर पहले द्वारका गुप्ता जी बैठे थे, वो एक सवाल कर रहे थे एक्साइज मिनिस्टर से, आपने आंदोलन किया था शराब दुकान यहाँ से बैठे हुए हाँ, आपके साथ इन्होंने आंदोलन किया था शराब की दुकान, और शराब की दुकान आज भी है, ये सवाल इन्होंने पूछा था एक्साइज मिनिस्टर से, उन्होंने कहा कि उमाशंकर गुप्ता के कहने पर वो दुकान है। मैंने सवाल भी यही किया था कि क्या उमाशंकर गुप्ता की आपकी सरकार में आज भी उतनी ही चलती है, शराब की दुकान वही है? गुप्ता जी क्या रिश्तेदारी तो नहीं है अपनी? मालूम है सभी पार्षदों ने भी किया था, लेकिन वो उसकी पहल हमने कर दी है। जो भी कंसर्न उसके पीएस हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, इन सब से हुई है, और ये आगे आने वाले दिनों में वो 2-3 हैं इस तरह की, जो
एक मंदिर के पास है, वहाँ कॉलोनी है उसके पास है, वो हटेंगी। तलैया में तो आपने कभी आंदोलन नहीं किया, आप केवल दवाई बेचते रहे। आनंद जी आपने आंदोलन नहीं किया इसलिए इस मामले में आंदोलन करो वहाँ पर, अभी भी मौका है आंदोलन करने, आंदोलन कीजिए उस पर। चलिए शोभा जी कुछ आप सवाल। आपके सवालों पर आए शोभा जी का सवाल। शोभा जी पीसी शर्मा जी सवाल करेंगे, फिर उसके बाद मैं शोभा जी से एक सवाल करूंगा क्योंकि आंदोलनों का जिक्र हो रहा है। पहले आप सवाल जी। मैं पीसी भाई से पूछना चाहूंगी कि पत्रकारिता, मैं समझती हूँ कि चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का है, वो ईमानदारी से अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो उसकी एक अहम भूमिका है, और उस भूमिका को निभाते हुए उसको कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, कई दबावों का सामना करना पड़ता है, कई खींचतानों का सामना करना पड़ता है, और जब लंबे समय तक एक जैसी सरकार चलती है तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं विचारधारा भी थोपी जाती है उस पर। तो ऐसे में आप जनसंपर्क मंत्री के नाते क्या पत्रकारों के अधिकारों की कैसे रक्षा करेंगे जिससे कि वो अपना दायित्व ईमानदारी के साथ निभा सके, ईमानदारी और निष्पक्षता से कर सके। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम लोगों का ध्येय निश्चित तौर पर जो वर्किंग क्लास पत्रकार है, जो रोज आम दिन संघर्ष करता रहता है, तो ये भी संघर्षशील लोग हैं, श्रमजीवी पत्रकार, हाँ श्रमजीवी जिनको कहना चाहिए, और जो डेस्क पे बैठे हैं, जो बाहर फील्ड पे हैं, मैं समझता हूँ कि हम लोगों की प्लानिंग है कि इनको जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए या जितनी फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, वो कैसे मिले इस पे पूरा लक्ष्य रहेगा आगे आने वाले दिनों, क्योंकि अभी केवल 70 दिन हुए हैं और एक आचार चुनाव हुआ और उसके बाद एक आचार संहिता 2-4 दिन में लगेगी, लेकिन उसके बावजूद उसके पूरे कदम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने आई थी बताया था कि हमने महिलाओं की, महिला जो पत्रकार हैं एंकर्स हैं उनकी ही एक कमेटी बना दी थी, वो बताएं कि क्या क्या उनके लिए किया जाना चाहिए और उनके ही सुझाव लेके उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एक, और दूसरा पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट। विषम परिस्थितियों में पत्रकार काम करता है, कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि फील्ड पे जान तक जाने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट तक हो जाता है। एक ही आज ही सुबह जो News 18 की जो है महिला पत्रकार, उनका इसी तरह एक बार हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उन्हें खुद बताया। तो ये इन सब परिस्थितियों में वो जो काम करते हैं उनको किस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाए, इस पर वो होगा। और दूसरा अलग अलग कैटेगरीज को सम्मानित करने की भी बात है, उसकी भी हमने एक जूरीज का गठन कर दिया है, वो अलग अलग कैटेगरीज के जो पत्रकार हैं, फोटोग्राफर भी हैं और न्यूज़ एंकर भी हैं, इनको सम्मानित किया जाए, वो मिले, उनको आवाज़ की व्यवस्था हो। आज ही हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो नीड है, जो उसको कैटेगरीज को फुलफिल करते हैं उसकी, जो उनको आवाज़ सुविधा भी कराएंगे, तो हर तरह की जो कुछ भी इसमें हो सकता है ऑन फील्ड उसको निश्चित तौर करेंगे। शोभा जी, आंदोलनों का जिक्र अभी हुआ जी, मैं आपको 15 साल पहले पीछे ले चलता हूँ। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी जी, एक महिला के साथ कोई उत्पीड़न की घटना हुई थी बड़ी जी, आप कांग्रेस में होते हुए भी, महिला कांग्रेस की नेत्री होते हुए आपने आंदोलन किया जी, उसकी शिकायत सोनिया गांधी तक गई जी, वर्तमान में भी प्रदेश की दशा और दिशा अभी बदली नहीं, NCRB के रिकॉर्ड के हिसाब से महिला उत्पीड़न में देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, 70 दिन हुए भी सरकार बने हुए लेकिन घटनाओं पर ऐसी कोई रोक नहीं लगी। क्या वो शोभा ओझा आज से 15 साल पहले वाली आज भी है कि अपनी ही सरकार, अपने दल की सरकार में महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएंगी? बिल्कुल, देखिए मैं समझती हूँ अभी 70 दिन, 15 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए 70 दिन बहुत कम है, और इस बात का मुझे विश्वास है जो कार्यशैली आदरणीय कमलनाथ जी की है उसके चलते मुझे पूरा विश्वास है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो जंगल राज से हमारे प्रदेश में एक लॉ एंड ऑर्डर काबिज होगा, और उसके चलते जो महिला अत्याचार के केसेस हैं वो भी हम न के बराबर उसको ले आएंगे, जो लगातार 8 साल से हम नंबर 1 पर हैं पूरे देश में, वो कलंक हम मिटा लेंगे, और साथ ही महिलाओं को एक जो सुरक्षा की बात है
जो उनका अधिकार है, और दूसरा उनको सशक्त करने की बात है। तो दोनों चीजों की ओर बड़े कदम सरकार उठाएगी, और सरकार हमारी है, जहां भी हमें लगेगा कि महिला कोई अत्याचार हुआ, निश्चित ही उसको न्याय दिलाने की हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। जनता से सवाल है, कुछ महिला पत्रकारों की बात कहना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि अभी सरकार को 70 दिन हुए हैं, सरकार 4 साल होता है, 5 साल होता है, बोलती है कि अभी हमारी सरकार को सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, अभी हमारी सरकार को सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। ऐसे आपने कहा कि 70 दिन हुए हैं, फिर भी 70 दिन में काफी बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है, और ये बदलाव लोकसभा के बाद और ज्यादा स्पीड पकड़ ले, ये हम चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात तो हर जगह होती है, पर महिला सुरक्षा की बात हर जगह रह जाती है। आपने वो मुद्दा भी उठाया, बट हमेशा जो है ये बातें मुद्दों में रह जाती हैं। मैंने ये बात बीजेपी की सरकार में यशोधरा जी से भी जब चर्चा हुई थी, उनके सामने भी उठाई, और भी मंत्रियों के सामने मैंने ये उठाई कि आप लोगों की सरकार को 15 साल हो गए, फिर भी महिला सुरक्षा, बच्ची सुरक्षा के लिए क्यों नहीं बात है? बिल्कुल। तो ये चीज आपके थ्रू मैं चाहती हूँ कि ऊपर तक नहीं, नहीं बिल्कुल, हम तो सोचते हैं, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है हर महिला को सुरक्षा का, कि स्टेट हैज टू एंश्योर सिक्योरिटी फॉर द वुमेन, फॉर एवरी सिटीजन फॉर दैट मैटर, नॉट ओनली वुमेन, तो वो हमारा अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। वो अधिकार सरकार पर जवाबदारी है, वो सरकार को हमारे लिए करना ही पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि जो मैंने कहा कि 70 दिन कम होते, उससे मेरा मतलब ये था कि जो मतलब इतनी डिरेल सरकार थी पिछली, कि महिला अत्याचार ऐसा हो गया था कि थानों में तक महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और उसके चलते अभी आपने सुना होगा कि हमारी सरकार के आने के बाद एक 2.5 साल से एक ट्विंकल हत्याकांड इंदौर में हुआ था, जिसको पूरी बीजेपी बचा रही थी, क्योंकि एक एल्डरमैन बीजेपी का इन्वॉल्व था उस मर्डर केस में, और हमारी सरकार आती साथ वो अनफोल्ड हुआ और तमाम बीजेपी के नेता जेल गए। तो मैं यहाँ ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बात का आपको मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि हमारी सरकार में एटलीस्ट क्रिमिनल वुड बी अ क्रिमिनल, वो किसी पार्टी संप्रदाय या अपने किसी कनेक्शंस की वजह से नहीं बचेगा। उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि वो कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो या किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ, इसलिए बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बात का आपको संक्षेप में एक सवाल ले लीजिए, समय बहुत हो रहा है। अंशु गुप्ता जी को माइक दे दीजिए जल्दी से, लेकिन आप जल्दी जल्दी कीजिएगा। बहुत छोटा सा सवाल है सर, आप तीनों से ही है मेरा, कि आप जैसे वचन पत्र की बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस वचन पत्र लेके आई, पर क्रमांक 26 पे महिला सुरक्षा से ही संबंधित ये बात कही गई है कि हम महिलाओं को सुरक्षित दृष्टि से देखते हुए 17 से 45 साल तक की महिलाओं को तुरंत स्मार्टफोन विद सुरक्षा ऐप देंगे। तो मैडम, आज तक हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी सुरक्षा ऐप के साथ हम महिलाओं को कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिला है। ठीक है, मैं मानती हूँ ये है ना, क्या है कि वचन पत्र 5 साल का है, 5 साल में इसे हमें जी नहीं नहीं आप सुनिए, एक चीज की खुशी है हमको, वचन पत्र कि हमारा वचन पत्र सब पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं हम इसको भी करेंगे पूरा। देखिए प्रायोरिटी में प्रायोरिटी से हमने इश्यूज उठाए हैं, और क्योंकि किसान कर्जा माफी वॉज टाइम बाउंड, कि हमने कहा था कि 10 दिन के अंदर ये हम पूरा करेंगे, इसी तरह से महिलाओं की सुरक्षा भी हमारी प्रायोरिटी में है, और इसको जल्द ही पूरा करेंगे। पूजा आगे लेके आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम जल्द पूरा करेंगे। बहुत संक्षेप में मैडम जी, बहुत संक्षेप। नमस्ते, पीसी शर्मा जी, मेरा अपनी जल्दी बात कहिए। एडवोकेट वीना गौतम हूँ सर। सर पीसी शर्मा जी से कानूनी मंत्री हैं, और मैं तो देखती रहती हूँ, हमेशा आते भी रहते हैं वहाँ। सर मेरा ये सवाल है कि सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो हमारी अदालतों में है ना, बिना उसके कोई काम नहीं होता, और राजेश व्यास जी हमारे अध्यक्ष ने भी बहुत मुद्दे उठाए, तो इस पे कुछ सार्थकता हो, पहल हो, तो न्याय के उसमें ही अन्याय ना हो। पूजा जल्दी ले लीजिए, शर्मा जी जवाब दें। निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि न्यायालय के मामले में सुधार होना चाहिए, लेकिन न्यायालय जो मामला है वो सीधा सीधा कोर्ट से जुड़ा हुआ है, उसके हम लोग वहीं तक उसमें जिम्मेदार हैं, या लॉ डिपार्टमेंट वहीं तक जिम्मेदार है जहां कोई फैसिलिटीज देने का मामला है। बाकी न्याय व्यवस्था कोर्ट के अंदर जो है वो कोर्ट के ही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और ऐसी कोई चीज़ है
जो आप पहुंचाना चाहते हो, तो हम लोगों का एक सिस्टम है कि कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके जितने भी कोर्ट्स हैं उसके बीच में एक पीए, हम लोगों के सेक्रेटरीज और पीएस लॉ होता है, वो कोर्ट और सरकार के बीच का एक पुल है जिसके माध्यम से कोई बात हम पहुंचाते हैं या वो पहुंचाते हैं। वहाँ की बाकी चीज़ों का, उनका एक्सपेंडिचर्स, उनका ट्रांसफर हम करते हैं, लेकिन प्रपोज वहाँ से होता है। इसलिए एक मिनट, इसमें इसमें ऐसी को जो चीज़ें जो जुडिशरी में सीधा इंटरफेस होता नहीं, आप एडवोकेट मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा समझती होंगी, मैं तो जुडिशरी उसका लावाला आदमी नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एडवोकेट्स को हमसे क्या क्या सुविधाएं चाहिए, उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी ला रहे हैं जैसे पत्रकारों के लिए ला रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं जो वकीलों को और क्या वो चाहिए, वो जो आपकी बार बताएगी निश्चित तौर पर हम लोग उसको करेंगे। हमारे भी जो कांग्रेस पार्टी का भी जो एक फोरम है वहाँ काम करता है, तो ये एक्चुअली आपको मिल के सजेस्ट करना पड़ेगा कि ये कीजिए, उसके ऊपर एक्शन लेना हमारा काम है, लेकिन जहाँ इंटरनल उसका कोर्ट्स का मामला है वो आपको वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे ही बात करना पड़ेगा। सूरज भान सिंह सोलंकी, एक ऐसे मेहमान है सूरज भान सिंह सोलंकी जी, जो जब से आए हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं और लगातार उसी जगह पर बैठकर पूरी गंभीरता से सबको सुन रहे हैं, अपने दौर के सबसे कम उम्र के सांसद युवा सांसद हैं सूरज भानु जी। सूरज भान सिंह जी, आपसे आग्रह है कि आप कुछ सवाल करें। मैं डीएनएन के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा, चूंकि पत्रकारिता से हम लोगों को, राजनीतिक लोगों को सीधे जुड़ाव होता है और इस तरह के कन्क्लेव में पहली बार मौका मिलता है कि भोपाल जैसे शहर में, हमने दिल्ली में कई बार अटेंड किया, तो मुझे लगा कि ये सीखने का एक मौका है। उम्र नहीं होती है, किसी पद पे पहुंचने से बहुत ज़्यादा सीख नहीं होती है, हर चीज़ एक सीखने लायक होती है, इसलिए मैं आपके साथ। मैं हमारे मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। हमने कई बार देखा कि जो गरीब कॉन्स्टेंसी कहलाती है, जो वीकर सेक्शन की होती है सोसाइटी के अंदर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो कॉन्स्टेंसी है, वहाँ नॉर्मली मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो कमज़ोर होती है। उसका सीधा जो आपसे जो संबंध है कि अगर हम ऐसे ज़िले आइडेंटिफाई कर लें जहाँ मेडिकल कॉलेजेस हम खोलें, तो क्या होगा कि शासन की वहाँ योजनाएँ, बेड एड बिस्तर और कई चीज़ें जो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और विदेशों से इस तरह के सामान आ रहे हैं कि हम एक बार ब्लड दें तो पूरे बॉडी का स्कैन हो जाता, इस तरह की अगर हम सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेजेस, जो हम लगातार मांग करते रहे, पिछली सरकारों से लड़ते रहे कि हमें नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आप इस पे कोई सरकार की कोई नीति या कोई आप आगे बनाना चाहते हैं जिससे वीकर सेक्शन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। देखिए, पहले प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के। सागर में, जब मैंने आपको पहले कहा कि उस वक्त 2002-03 में मैं जब मंत्री थी मेडिकल एजुकेशन की, तो सागर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको एफिलिएशन करते हुए वहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का खोला। इसके साथ ही अभी 4 मेडिकल कॉलेज और आ रहे हैं, विदिशा, खंडवा, शिवपुरी और दतिया। इसके साथ 3 और मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं, जिसमें छिंदवाड़ा है, शहडोल है और एक और जगह है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस से होते जा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं कि कितना एरिया किस चीज़ को कवर कर रहा है, उसके अनुसार ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो हम लोग लगातार कर ही रहे। इसके साथ ही साथ टेलीमेडिसिन के माध्यम से जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेज से संबंध बड़े अस्पताल हैं, उनसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC और PHC को भी कनेक्ट कर रहे हैं। इससे टेलीमेडिसिन के माध्यम से, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से वहाँ का डॉक्टर भी अपडेट रहेगा और उसके माध्यम से वहाँ के जो पेशेंट हैं उनको भी सही मायने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। ये कोशिश और प्रयास मेरा डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, जो हमारे वचन पत्र में भी ये है। अब सिर्फ 3 सवाल, आखिरी 2 सवाल, एक राम पांडे जी ग्वालियर से, जल्दी से आप निश्चित कीजिए, माइक दीजिए आगे राम जी को। मैम, मेरा सवाल विजय लक्ष्मी साधु जी से है। आप लगातार बोल रहे हैं, कल भी आपने शिवपुरी में बोला कि स्वास्थ्य का स्तर पिछले 15 साल से खराब है, यहाँ भी आपने ये बात बोली। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल 202 मेडिकल जो आप बात कर रहे हैं उसका लोकार्पण सिंधिया जी ने किया है। उसकी भर्ती के लिए जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जिस लेवल पर हुई है,
वो ना केवल प्रिंट मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अच्छी लेवल पर चलाई है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या उससे स्वास्थ्य का लेवल खराब नहीं होगा? मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगी मैम, अभी 4 दिन का हमारा सत्र था विधानसभा का, आपने जो मुद्दा उठाया, एक माननीय सदस्य ने उस प्रश्न के माध्यम से मेरे को ये पूछा था और मैंने उसमें एक जांच कमेटी के माध्यम से जो आप जो भर्तियों के बारे में बात कर रही है उसमें जांच कमेटी हमने वहां घोषित की है, जिसे संबंधित सदस्य ने माननीय विधानसभा के सदस्य जो मुद्दा उठाया उनको भी जवाब में था वहां, हाँ उनको भी उसमें सदस्य लिया है और ये मैं कर चुकी हूँ। आप कुछ पूछिए। राम पांडे जी, राम मेरा सवाल साधु मैडम से है, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जो डॉक्टर्स हमारे जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करने के लिए, वो मुश्किल से कुछ सेकंड्स लेते हैं पेशेंट्स को देखने के लिए, उसी डॉक्टर के पास हम जब प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं तो वो तसल्ली से 10-20 और आधा घंटा भी देखते हैं, तो वो पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। और मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बहुत गंदगी रहती है, अव्यवस्थाएँ रहती हैं, पेशेंट को ठीक से डील नहीं किया जाता। दूसरा, जो भी जाँच होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, MRI हो, सोनोग्राफी हो, कुछ भी हो, मशीन नहीं आती है, कुछ दिनों में वो खराब कर दी जाती है, क्योंकि आसपास के जितने भी सेंटर होते हैं उनका कमीशन बंद हो जाता है। और ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर्स बाहर भेजते ही इसीलिए कि उन डॉक्टर्स को कमीशन मिले, तो ये दोनों व्यवस्थाएं दुरुस्त होना बहुत जरूरी। राम पांडे जी ने आपने 15 साल के पूरे सवाल एक ही सवाल पूछ लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये व्यवस्थाएं इस तरह की होती है। मैडम आपने जो बात की, मैं 2 मिनट उनका, वो जो 15 साल की आपने जो बात की, मेरे अपनी विधानसभा में CSC PSC कोई भी PSC बिना डॉक्टर के नहीं थी जब मैं MLA और मंत्री थी। CSC में मंडलेश्वर महेश्वर में 18 डॉक्टर की पोस्टिंग थी, 18 ही भरे थे। छोटे से शहर में सारे स्पेशलिस्ट थे, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑप्थो, सबके डॉक्टर थे। 15 साल में क्यों नहीं हुए, तो 15 साल की बात तो हम पूछेंगे ही, गिनेंगे, जवाब तो मांगेंगे। जहां तक आपने सवाल उठाया बिल्कुल सही है, ये मैंने भी देखा है कि कई बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं या पैथोलॉजिस्ट हैं, वो जो गवर्नमेंट की जो मशीन है उनको खराब कर देते हैं और अपने क्लिनिक्स में पेशेंट को बुलाते हैं और वहाँ वो करते हैं। कई के तो अपने बंदे होते हैं कि भाई फलाने हॉस्पिटल में जाओ, तो कोई कमीशन वमीशन की बात जो होती है। आप सही कह रहे हैं, ये व्यवस्थाओं को सुधारने की बहुत आवश्यकता है और इसे और मैं प्रयासरत हूँ, कर रही हूँ। सुपर स्पेशलिस्ट के हम लोग कई कोर्सेज ला रहे हैं जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित रहेंगे और उसमें वीकल सेक्शन को सुविधा उसकी मिले, उसके प्रयास कर रहे हैं। कई इक्विपमेंट को हमने ऑर्डर भी दिए हैं, चाहे वो ग्वालियर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर मेडिकल कॉलेज हो या रीवा मेडिकल कॉलेज हो, उसके लिए सतत हम लोग की प्रोसेस जारी है। रिक्रूटमेंट भी हम लोग कर रहे हैं हर मेडिकल कॉलेजेस में। अभी मैंने 5-6 दिन पहले ही वायरोलॉजी लैब की शुरुआत की भोपाल के अंदर और इंदौर के अंदर। उसमें जो हमारे स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया के जो सैंपल्स जाते हैं 3-4 दिन में, या तो दिल्ली भेजो, पुणे भेजो, इधर उधर, तो उसके रिजल्ट बहुत देर में आते हैं जब तक मरीज की हालत खराब हो जाती है। वायरोलॉजी लैब हमारी जो यहाँ भोपाल के अंदर हमने शुरुआत की हमीदिया हॉस्पिटल में, सेम डे में सारे सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे और उसका रिजल्ट बहुत मतलब सेम ही डे में आ जाएगा, जिससे कि लोगों को ज़्यादा परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ेगी। इसी तरह के लैब मैंने इंदौर के अंदर भी शुभारंभ उसका कर दिया है, उसकी भी शुरुआत होगी। और एक आपको चीज जो आपके नॉलेज में लाना चाहूंगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मैंने 21 को जो हमारा लास्ट डे था विधानसभा का, उसमें संकल्प के माध्यम से उसको लेके आई हूं मैं, क्योंकि ये 1994 का एक था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक था। राज्य सरकारें इसके लिए बाउंडेड नहीं होती हैं, आपको करना है करो, नहीं तो मत पालो। लेकिन 1995 में देवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी, हमने उसको एडॉप्ट किया उस एक्ट को, और एडॉप्ट करने के माध्यम से उसको हमने रेगुलेट किया। 2011 में UPA की सरकार ने इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए, क्योंकि ऑर्गन के साथ साथ टिश्यू भी जोड़ा और इसके साथ जो परिवार की परिभाषा को भी थोड़ा बदला कि माता पिता के साथ साथ नाना नानी दादा दादी भी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि किडनी के जो रैकेट्स दूसरे प्रदेशों में जो पकड़ाए हैं, इसलिए गरीब आदमी को बहुत परेशानियां होती थी। तो वो एक के माध्यम से 2011 का एक 2019 तक, जो आप मैडम थोड़ा सा तेजी से बोल रहे थे, 2019 तक पिछली सरकार ने उसको कोई ध्यान में नहीं दिया। मेरे हम फिर अभी कितने दिनों में आया, मैं 2 महीने भी नहीं हुए,
लेकिन जब वो फाइल मेरे पास आई तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल है, अगर इसको संकल्प के माध्यम से मैं विधानसभा में लाती हूँ। ये ऑर्डिनेंस के लिए भी गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, इन्होंने 2011 से लेकर 19 तक कुछ नहीं किया। संकल्प के माध्यम से उसको हमने एक नीति निर्धारित कर ली जिसमें कमेटियां बनेगी, नेशनल लेवल की है, एक रीजनल लेवल की कमेटी भी है, उसके बाद स्टेट लेवल की, और स्टेट के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज के लेवल की कमेटी बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के लीगल पावर होंगे, सिविल के उसको अधिकार रहेंगे ताकि वो किसी भी व्यक्ति को समन करके बुला सकता है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का मामला है, लीवर ट्रांसप्लांट का मामला है, हार्ट ट्रांसप्लांट का मामला है। तो जब ये सिस्टम में आ जाएगा तो एक गरीब आदमी को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 से 30 लाख तक वो किडनी का खर्चा होता है वो मामूली 2-3 या 4 लाख के अंदर हो जाएगा। ये हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो बात होनी थी तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। एक अद्भुत ग्वालियर नासिर भाई, आप भी कुछ पूछ रहे हो क्या? जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ लक्ष्मी जी, आपके लिए ग्वालियर से सवाल पूछ रहा हूँ टेलीफोन पर। हमारे डीएनएन चैनल देश भर में देखा जा रहा है, ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार हैं जो प्रदेश टुडे के संपादक हैं श्री चंद्रवेश पांडे जी, वे इस समय आपको सीधे देख रहे हैं, वे कोई सवाल आपसे पूछ रहे हैं। चंद्रवेश जी आप अपना सवाल कीजिए, मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है। पांडे जी चार प्रोफेसर पर ही आरोप लगा है। कब और क्या कार्रवाई? इनका प्रश्न संगीत महाविद्यालय है जी, संस्कृति मंत्रालय में आपके उसमें आता है, ग्वालियर के अंदर है। इस तरह की घटना अभी मेरे नॉलेज में आई है कि कुछ घटनाएं हुई है, महामहिम राज्यपाल महोदय भी कुछ दिन पहले वहां गई हुई थी, तो ये मेरे संज्ञान में आया है उसके ऊपर, क्योंकि बीच में 2-3 दिन की छुट्टी आ गई थी और मैं अभी ग्वालियर गई थी मेडिकल एजुकेशन के लोकार्पण और 1000 बिस्तर के हॉस्पिटल के लिए, मेरे संज्ञान में आया है, इसमें मैं शीघ्र ही कुछ न कुछ कार्रवाई कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब आखिरी सवाल, आखिरी सवाल भाई अग्रवाल साहब, आप हर सत्र में पूछ चुके हैं, इनको अवसर दीजिए। एक मिनट, मेरे पास पांच सवाल हो चुके हैं, मैं आप ही के संबंधित सवाल पूछ रहा हूं। अग्रवाल जी प्लीज, अग्रवाल जी प्लीज, मैं अग्रवाल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बैठिए। जिस डायरेक्शन में है जो है, मैं उसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। किससे है आपका सवाल? देखिए, मेरा पीसी भाई से जी। मेरा सवाल यह है साहब के, जिस तरह से पत्रकार या पत्रकारिता जगत एक चौथे स्तंभ के रूप के अंदर हमारी डेमोक्रेसी के अंदर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, परंतु पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि इस स्तर को पत्रकारिता जगत के अंदर के ही लोग निरंतर गिराने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार के अंदर आपने देखा कि पता चला गया व्हाट्सएप के ऊपर खाली पत्रकारिता करते हैं 4 जगहों पर खबर भेजकर, और उनको 10 लाख रुपए मिल रहा है। पर आ जाइए सीधे प्लीज। और एक वेबसाइट चल रही है, उस वेबसाइट के अंदर महीने में 2 दिन डाल दिया गया और उसके ऊपर 5-5, 7-7 लाख रुपए पूर्व सरकार ने दिए। ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर बात है, क्योंकि पत्रकारिता के अंदर हम लोगों का विश्वास पूरा है, इस देश का विश्वास है। इस चीजों के ऊपर कांग्रेस और खास तौर से आप पीसी भाई बहुत अच्छी तरह समझते हैं इन चीजों को, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसके अंदर थोड़ा सा बोल्ड जरूर होना पड़ेगा और आपको, लेकिन इसके ऊपर रोक लगेगी हमारी सरकार में, आप जैसे हमारे मंत्री महोदय से? निश्चित तौर पर, और इसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने वेबसाइट के मामले में ये चीज़ें इस पर अभी रोक लगा दी है, और बाकी ये सब चीज़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है, लंबा मामला है, इसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए एक टाइम लगेगा, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हम लोग। एक सच्चे पत्रकार को तो बंगला नहीं मिल पाता है, परंतु एक वेबसाइट चलाने वाला बी कैटेगरी का बंगला ले लेता है पूर्व, ये बड़ी एक अजीब सी थोड़ी बातें हैं जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई हैं। मैंने आपके संज्ञान में डालना था। निश्चित तौर पर इस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा, और आपकी जो भावनाएं
उसके हिसाब से ही सब काम होंगे। मित्रों, सवाल तो लगातार जारी रहेंगे और लोकतंत्र में सवाल पूछना एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है। डीएनएन ने आज मंथन 2019 के जरिए इसीलिए सवालों का यह सिलसिला सत्ता और आम जन के बीच में शुरू किया। दो दिन से हमारे ये कॉन्क्लेव चल रहे हैं, कल न्यूज वर्ल्ड का था और आज इंदौर में डिजाना न्यूज और डीएनएन। आज यहाँ आपने सवाल पूछे, सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं, मुट्ठियों में भी हैं और चेहरों पर जड़े हैं। सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं, मुट्ठियों में भी हैं और चेहरों पर जड़े हैं। स्पार्टाकस के साथियों की तरह राजपथ के दोनों किनारों पर सदियों से सूलियों पर लटके खड़े हैं सवाल। तो ये सवाल हमेशा रहेंगे, लोकतंत्र की थाती है सवाल पूछना। आज इस सत्र को यहीं विराम देंगे। सुनीता जी, आगे की औपचारिकताएं पूरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। डाइस पर तीन हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, साथ ही पीसी शर्मा जी और कांग्रेस की मीडिया प्रभारी श्रीमती शोभा ओझा जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे से बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दिए और यहाँ पर उपस्थित मीडिया पैनलिस्ट, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और आम जनता जो है उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने जो हमने सेतु कायम करने की कोशिश की थी डीएनएन और डिजियाना परिवार की ओर से, न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से आपने हमारा भरपूर सहयोग दिया और आज हमारा ये कॉन्क्लेव सफल नहीं बल्कि सफलतम रूप से आज यहाँ पर साबित हुआ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और औपचारिकता एक जो होती है, हम एक स्मृति चिन्ह आपको यहाँ प्रदान करना चाहते हैं और मैं आग्रह करूंगी स्मृति चिन्ह लेकर आप डाइस पर आए और मैं डाइस पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कृष्ण मोहन झा जी, पॉलिटिकल एडिटर, साथ ही मनोज सैनी सर, चीफ एडिटर न्यूज वर्ल्ड, और साथ ही रमेश शर्मा सर, सलाहकार संपादक डिजियाना समूह। तो आज हमारी खुशनसीबी है कि देश की सियासत, प्रदेश की सियासत को जो नया आयाम देते हैं, ऐसे आवाम की सेवा करने वाले लीडर्स हमारे बीच हैं और आप सभी की सेवा में लगातार लगे हुए हैं और आपके सवालों का जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप सभी संतुष्ट हैं। और अगर संतुष्ट हुए हैं तो एक बार जोरदार ताली के माध्यम से हमें सूचित कीजिए कि हमारा ये कॉन्क्लेव कितना सफल रहा। और बस यही कहना चाहूंगी कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो बस यही हमारा मकसद है। समय बहुत कम हुआ है सरकार को, लेकिन सरकार कोशिश जरूर कर रही है। हमारे बीच सूरज भानु सोलंकी जी, पूर्व सांसद जी मौजूद हैं, मैं उनको भी यहां आमंत्रित करना चाहती हूं और साथ ही स्मृति चिन्ह उनको भी हम डीएनएन न्यूज के माध्यम से प्रदान करना चाहेंगे। सर प्लीज कम ऑन स्टेज।